आपने कभी सुना है कि जेल में बंद कोई कैदी नीट की काउंसलिंग कर सकता है? लेकिन यह प्रचरितार्थ हुआ है। पटना के बेऊर जेल से यह कहानी गढ़ी गई है और कहानी की सच्चाई जब सामने आई तो जेल प्रशासन और पटना पुलिस के होश खाफ्ता हो गए। पूरा घटनाक्रम यह है कि जेल में बंद नीरज कुमार सिंह 3 साल से बंद है कई मामलों में, और पटना के बोरिंग रोड में जेबी मॉल में एक कैरियर काउंसलिंग करके एक संस्था खुलती है। उस संस्था का डायरेक्टर उज्जवल कुमार सिंह है और वो संस्था नीट के नाम पर काउंसलिंग करती है वैसे लोगों की और वैसे परीक्षार्थियों की जिन्हें कम नंबर के कारण उन्हें कॉलेज अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन ये काउंसलिंग करने वाली संस्था ये बताती है पैसे लेकर के हम आपको एक अच्छे कॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद ये खेल शुरू होता है। लेकिन काउंसलिंग जो शुरू होती है वो जेल के अंदर बंद नीरज कुमार सिंह करता है और जेल से ऑपरेट करता है। ये बात अपने आप में इतनी बड़ी बात है, चौंकाने वाली बात है। इस चौंकाने वाली बात का खुलासा हो चुका है और शायद ये पहली बार हो रहा है कि बिहार के किसी जेल में बंद कोई बड़ा अपराधी नीट की काउंसलिंग जेल में बंद होकर कर रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कह सकते हैं कि जिन लोगों को ये कहा गया था कि वो जाकर के एडमिशन कराएं, जब वो गए एडमिशन कराने तो पूरा मामला फर्जीवाड़ा निकला और नीरज कुमार सिंह जेल में बंद होकर के काउंसलिंग करता रहा और 35 करोड़ से अधिक की ठगी कर चुका है। एसके पुरी में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पटना पुलिस का सारे अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहे हैं। एसके पुरी पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सवाल सीधा है कि उज्जवल कुमार सिंह के स्थान पर नीरज कुमार ने जेल के अंदर से काउंसलिंग कैसे की, उसके पास से एंड्रॉयड मोबाइल गया तो कैसे गया, किस तरीके से उसने काउंसलिंग करके 35 करोड़ रुपए ठगे, ये इतना बड़ा सवाल है जिस सवाल का जवाब अभी किसी पटना पुलिस के अधिकारी के पास नहीं है। हालांकि पटना के एसएसपी ने कहा था कि सूचना अगर आएगी तो सत्यापन कराया जाएगा, लेकिन ये सवाल अपने आप में होश उड़ाने वाले हैं कि क्या जेल के अंदर बंद कोई अपराधी किसी संस्था के लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग करा सकता है, वो भी नीट ऐसे बड़े संस्था के परीक्षा में एक मनमाफिक सीट दिलाने को लेकर के काउंसलिंग करा सकता है, काउंसलिंग करके 35 करोड़ रुपये से ज़्यादा ठग चुका है वो। फिलहाल देखना होगा पुलिस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई कर पाती है। सहयोगी आशीष के साथ मरगुब आलम, कैसेज न्यूज़, पटना।